नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग चाणक्य के यूट्यूब चैनल में मैं अनमोल मित्तल आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और स्वागत है आपका हमारी वेबसाइट ट्रेडिंग चाणक्य .com पे। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस टूल का नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये बहुत ही पुराना टूल है, बहुत ही लंबे समय से इसको ट्रेडिंग में यूज़ किया जा रहा है और हमारी शेयर मार्केट और हमारी कमोडिटी मार्केट एंड करेंसी मार्केट में इसका बहुत यूज़ है। काफ़ी सारे ट्रेडर इसका बखूबी रूप से इसका प्रयोग करते हैं अपनी ट्रेडिंग के अंदर। और जैसा नाम से दोस्तों हमें पता लग रहा है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट का मतलब क्या है? रिट्रेस मतलब थ्रो बैक होना, बाउंस बैक होना, या किसी चीज़ का फोर्स बैक हो जाना। मान लेते कोई भी एक फोर्स लगता है, किसी भी तरीके का फोर्स हो। एनसीसी में काफ़ी लोग होंगे, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं तो एनसीसी कई लोगों ने ज्वाइन करी होगी, तो उनको बखूबी पता होगा कि जब भी हम शूट करते हैं तो शूट करते टाइम भी जितना प्रेशर आगे की तरफ जाता है तो उसका एक पुल बैक पीछे की तरफ भी आता है, राइट? तो ऐसे ही कई सारे फोर्सेस हैं। अगर हम फायर ब्रिगेड वालों का एग्जांपल लें तो जिस प्रेशर से उन्होंने पाइप को पकड़ा हुआ होता है और आग बुझाने के लिए वो पानी की बौछार कर रहे होते हैं, तो उनसे पूछिए कि वो कितना फोर्स बैक में ले रहे हैं उसको रोकने के लिए। तो जितना फोर्स आगे लग रहा है उतना ही फोर्स बैक की तरफ ही होगा, यानी दोनों साइड एक फोर्स होता है। एक फोर्स तो जो है वो एक्चुअली है और एक होता है रिट्रेसमेंट होना। तो जैसे कि शेयर मार्केट के अंदर हमेशा देखा जाता है कि मार्केट हमेशा बिल्कुल फ्लैट नहीं है, 90 डिग्री पे कभी भी मार्केट नीचे या ऊपर नहीं जाती है। मार्केट हमेशा एक स्विंग बनाती है और उस स्विंग का सहारा लेकर के एक हल्का सा पुल बैक करके या पुल डाउन करके मार्केट ऊपर नीचे अपना एक ट्रेंड पूरा करती है, ख़त्म करती है। तो यही दोस्तों रिट्रेसमेंट है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहता है कि अगर मार्केट एग्जांपल है कि नीचे जा रही है तो वो कहीं ना कहीं सपोर्ट ज़रूर लेगी और सपोर्ट लेकर के वो एक पुल बैक देगी। तो वो पुल बैक कितना होगा, वो पुल बैक कितना होगा, वो फिबोनाची आपको बताएगा और वो आपको ट्रेडिंग के अंदर बहुत अच्छी मदद कर सकता है। तो समझते हैं दोस्तों फिबोनाची को और अच्छे पैटर्न में। फिबोनाची में आप शॉर्ट टर्म में कैसे ट्रेड करें, फिबोनाची में आप इंट्राडे में कैसे ट्रेड करें, ये दोनों चीज़ें मैं आपको जल्दी बताऊंगा। फिलहाल हम इस वीडियो में फिबोनाची को अच्छी तरीके से समझते हैं कि फिबोनाची क्या है, क्यों ज़रूरत है इसकी और कैसे काम करता है। तो चलते हैं एक बार दोस्तों समझते हैं। तो फिबोनाची दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि मार्केट एक ट्रेंड के साथ बढ़ती है और ट्रेंड के साथ गिरती है। फॉर एग्जांपल, चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हो रही है और यहाँ पर बिल्कुल सपोर्ट लिया मार्केट ने, बहुत अच्छा सपोर्ट लिया, और यहाँ से मार्केट रिट्रेस करेगी, रिट्रेसमेंट यानी थ्रो बैक करेगी। तो यहाँ से जो मार्केट ने थ्रो बैक करा ये फिर वापस नीचे आ गए। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहता है जी ये जो थ्रो बैक हुआ है, ये जो रिट्रेसमेंट हुआ है, ये रिट्रेसमेंट या तो 38.2% होगा या फिर 50% होगा या फिर 61.8% होगा। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल ये कहता है कि मार्केट अगर गिर रही है तो वो एक सपोर्ट ज़रूर लेगी और जब वो सपोर्ट लेगी तो उसके बाद मार्केट एक पुल बैक देगा, एक रिट्रेसमेंट देगा। वो रिट्रेसमेंट या तो 38.2% होगा या 50% होगा या 61.8% होगा। अगर मार्केट दोबारा यहाँ से गिरना शुरू करती है और ये जो पुल बैक होगा ये इसके मुकाबले ये वाला पुल बैक 38%, 50% या 61% होगा। ठीक इसके अपोजिट साइड की अगर हम बात करें, मार्केट अगर यहाँ से बढ़ रही है, ठीक है, तो मार्केट बढ़ने के बाद मार्केट यहाँ कहीं एक रेजिस्टेंस लेगी, कहीं आसपास रेजिस्टेंस लेगी। तो जहाँ भी मार्केट एक रेजिस्टेंस लेती है तो फिबोनाची कहता है कि भाई कम से कम मार्केट 38.2% गिरेगी या 50% गिरेगी या 61.8% गिरेगी। पूरे ट्रेंड का परसेंटेज मतलब पूरे स्टॉक का प्राइस मत लगा लीजिएगा। ये जो टूल है ये एक
परसेंट देता है ट्रेंड के हिसाब से, वो हम समझेंगे अभी। फिलहाल आप ये समझिए रिट्रेसमेंट का। तो ये कहता है कि मार्केट जब ऊपर बढ़ रही है तो एक कहीं ना कहीं पर वो एक रेजिस्टेंस लेगी, और उस रेजिस्टेंस को लेने के बाद वो या तो 38.2% नीचे गिरेगा, या 50% नीचे गिरेगा, या 61.8% नीचे गिरेगा, और नीचे गिरने के बाद फिर वो सपोर्ट लेगा, फिर वो ऊपर जाएगा, और फिर वो इसी तरीके से काम करेगा। तो इसको कहते हैं दोस्तों फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का सारा हमें क्यों लेना चाहिए भाई, रीज़न क्या है? तो देखिए मार्केट में दो तरीके के लोग हैं, या कई आप कैटेगरी में बांट सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताना चाहूँ तो एक ट्रेडर तो ऐसा है जो ट्रेंड को उसने देख लिया कि ट्रेंड यहाँ से गिर रहा है, राइट, सारे मानते हैं ट्रेंड गिर रहा है और आगे गिरेगा, ठीक है। अब ट्रेंड गिर रहा है तो उसने ट्रेड कहाँ स्टार्ट करा, उसने ट्रेड यहाँ पर लिया, इस लेवल पे, इस लेवल पे ट्रेड लिया, थोड़ा सा ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, और अपना टारगेट वो जो भी रखना चाहता है 1:2, 1:3, जो भी वो रखना चाहता है वो रख सकता है। अब भाई वो ये कहता है भाई मैंने यहाँ ट्रेड लिया, मैंने हर चीज़ चेक कर ली और गिर रही है मार्केट, ठीक है ट्रेंड उसके साइड पे चल रहा है, लेकिन ट्रेड लेने के बाद जहाँ से उसने ट्रेड लिया वहाँ से मार्केट ने रिट्रेस करना शुरू करा था फिबोनाची के रूल के अकॉर्डिंग। तो जैसे मार्केट ने रिट्रेस करना शुरू करा तो थोड़े ही दिन बाद उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, और वो कह रहा है कि यार मैंने सारी चीज़ देखी लेकिन मार्केट ने मेरा ही स्टॉप लॉस क्यों हिट करा। तो ये रीज़न था कि मार्केट उस टाइम पुल बैक कर रहा था, मार्केट एक करेक्शन कर रहा था, और उसके बाद मार्केट को दोबारा नीचे गिरना था। तो क्यों ना ऐसा हो सकता था कि हम यहाँ पर ट्रेड ना लेकर के हम इस लेवल पे ट्रेड लेते, ताकि हमें स्टॉप लॉस भी एक छोटा लगाना पड़ता और हम यहाँ पूरे ट्रेड का, पूरे ये ट्रेंड का एक मोटा हिस्सा खा पाते। तो फिबोनाची का इस्तेमाल हम ट्रेडिंग में इसी तरीके से करेंगे, एक मोटा हिस्सा खाने की कोशिश करेंगे, हम एग्जैक्टली वो पॉइंट ढूंढने की कोशिश करेंगे जहाँ से मार्केट एग्जैक्टली नीचे जाए, ठीक है, पुल बैक वाला रिट्रेसमेंट वाला जो प्रॉब्लम है वही ख़त्म हो जाए। तो पहले तो फिबोनाची को समझ रहे हैं, बाकी हम आगे आने वाली वीडियोस में वो पॉइंट खोजने की कोशिश करेंगे कि क्या वो कैंडल या कोई वो एक पल वो है जहां मार्केट भाई अब हो गया, अब यहां से एक छोटा सा स्टॉप लॉस और बहुत अच्छा प्रॉफिट के लिए हम सोच सकते हैं। चलिए एक बार चार्ट में देखें कि टूल किस तरीके से काम करता है। तो टूल में दोस्तों चार्ट आपको हमारी ट्रेडिंग चाने के .com वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, आप टूल को चेक करना चाहते हैं तो। तो फिबोनाची के लिए हमें एक हाई लेवल और एक लो लेवल चाहिए, और अगर आप डाउन ट्रेंड की तरफ लगा रहे हैं फिबोनाची को तो यहाँ से आप हाई लेवल से इसको खींचेंगे, ये मैंने हाई लेवल से इसको खींचा और सीधा इसको यहाँ लो पॉइंट में लाकर खड़ा कर दिया। तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करूँगा ताकि आप क्लियरली जो लोग मोबाइल पे देखते हैं उनको थोड़ी सी समस्या होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको लेवल्स दिख रहे हैं 38.2%, 50%, 61.8%, ये कुछ लेवल्स इसके दिख रहे हैं। और फिबोनाची का एक रूल ये भी है कि अगर 61.8% क्रॉस करके मार्केट ऊपर चले जाता है, ठीक है, ब्रेकआउट करके ऊपर चले जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ट्रेंड जो अपोजिट साइड जो ट्रेंड चल रहा था वो ख़त्म हो गया, अब नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो ट्रेंड रिवर्सल का भी आपको एक क्लियर कट इंडिकेशन फिबोनाची देता है। तो अब फिबोनाची ये कहता है कि मार्केट यहाँ से गिरी, बखूबी गिरी, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मार्केट एटलीस्ट 38.2% तक बढ़नी चाहिए। अगर वो इतना गिर रही है, यहाँ से एक पुल बैक लिया है उसने, तो ये 38.2% तक तो कम से कम जाएगी, या 50% तक जाएगी, या 61.8% तक जाएगी। चलिए देखते हैं चार्ट क्या करता है। ये 38.2% तक मार्केट गई, और देखते हैं 50% तक, ये देखिए मार्केट ने पुल बैक करा 50% तक, कहाँ से लेकर कहाँ तक, थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ और अच्छे से समझ आएगा। ये देखिए यहाँ से रिट्रेस करा था, और ये रिट्रेसमेंट थी 220 से लेकर के 255 तक के लेवल पर, यहाँ तक इसने 50% तक का पुल बैक दिया, ठीक है। तो यही रिट्रेसमेंट है फिबोनाची का। तो फिबोनाची यही कह रहा है आपको कि अगर वो एक मार्केट गिर रही है तो वो इतना रिट्रेसमेंट आपको देगी। तो अब एक ट्रेडर तो हमारा ऐसा है
जो यहाँ पर ट्रेड ले रहा है यहाँ पर, ठीक है, और उसने थोड़ा सा ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा दिया। लेकिन भाई कायदे वाली बात तो ये है कि जो उसका रिट्रेसमेंट खत्म हो गया डाउन ट्रेंड का, तो उस रिट्रेसमेंट में अगर आप यहाँ ट्रेड लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। अगर आप 61.8% के आसपास लेते हैं ट्रेड, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि पुल बैक भी खत्म हो गया। जो एक पुल बैक होना था, बाउंस बैक होना था, वो खत्म हो चुका है। चलिए कोई बात नहीं, और देखते हैं फिर मार्केट कहाँ जा रही है। फिर हमें एक लो चाहिए, थोड़ा सा लो को हम इधर खींच लेते हैं, फिर मार्केट का एक लो ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये देखिए मार्केट ने फिर एक लो बनाया ये वाला, और फिबोनाची ये कहता है, ये 150 पे एक लो बना है, फिबोनाची ये कहता है कि 200 के लेवल तक तो एटलीस्ट जाना चाहिए, नहीं तो 220 तक, नहीं तो जो भी ये लेवल है 235 के अप्रोक्स। तो मार्केट देखते हैं कहाँ तक गई है मार्केट। देखिए दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ सपोर्ट लिया था, यहाँ पर ये इसका लो था, और यहाँ से पुल बैक गया है 150 से लेकर के, और ये सीधा 61 को क्रॉस करके ऊपर चला गया है। 61 को क्रॉस करके ऊपर चला गया, तो उसका मतलब अब जो मार्केट का ट्रेंड है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। तो ये दोस्तों फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, बहुत सिंपल टूल है, आपको सिर्फ एक हाई और लो लेना है, लो पे लगा के रख देना है, और जहाँ से वो सपोर्ट लेके हल्का सा पुल बैक करता हुआ आपको दिख रहा हो तो वहाँ पर आप इसको लगा कर छोड़ दीजिए। और जब ये 38.2 लेवल के आसपास आ जाए और आपको ऐसा लगे कि ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो आप यहाँ पर अपना पोजीशन बनाइए, चाहे शॉर्ट की तरफ बनाइए, और 61.8% के थोड़ा सा ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बाकी इसके ऊपर हमें अच्छे से कैसे काम करना है और किस तरीके से हम इस पे काम कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। तो फिबोनाची फ़िलहाल हमें यही चीज़ बता रहा है। बाकी अगर हम अप ट्रेंड वाली बात करें तो अप ट्रेंड को भी एक बार देख लेते हैं। तो हमें एक हाई एंड लो की ज़रूरत है, लो एंड हाई की। तो यहाँ से हम नीचे से लेंगे फिबोनाची को और यहाँ पर हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है, राइट। ये देखिए फिबोनाची कह रहा है कि जब मार्केट बढ़ रही है, देखिए यहाँ पर आकर के मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, तो अब ये कहते हैं कम से कम 38.2% तक मार्केट गिरेगी, तो बिल्कुल बखूबी उसके अप्रोक्स जाकर के मार्केट गिरी, और यहाँ पर आपका एक ट्रेड बनता है लेने का। और उसके बाद मार्केट ने फिर ऊपर की तरफ रुझान करा, फिर ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है। हम थोड़ा सा इसको यहाँ पर खींचते आगे, फिर मार्केट का एक नया हाई हमें मिला यहाँ पर, ये वाला हाई, ये हाई हमें एक मिला। अब यहाँ से मार्केट कहते हैं कि अब यहाँ से जब मार्केट बढ़ेगी तो एटलीस्ट 38.2% मार्केट ज़रूर गिरेगी, तो बखूबी मार्केट 38.2 इधर लेवल पे देखिए आप, यहाँ तक मार्केट ने यहाँ तक गिरा, और यहाँ से गिरने के बाद मार्केट ने फिर ऊपर की तरफ पुल बैक दिया, फिर ऊपर पुल बैक देने के बाद फिर हमें एक नया हाई मिल गया। ये हाई देखिए हम यहाँ लगा देते हैं, ये हाई लगाने के बाद मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई, और एक हाई मिल गया हमें, ये वाला हाई मिल गया। ये देखिए बखूबी रूप से मार्केट ने ऊपर रेजिस्टेंस लिया, कोई ताकत नहीं थी रोकने वाली, और सीधा जाकर के मार्केट लुढ़का है 50% पे नीचे की तरफ, 50% पर आकर के मार्केट सीधा रुका है। तो ये पावर है रिट्रेसमेंट टूल की, और बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी है। और हम देखते हैं एक हमें हाई यहाँ मिला, ये हाई हमें मिला, और यहाँ से मार्केट कोशिश कर रहा है वापस पुल बैक आने की। तो हम कह सकते हैं कि मार्केट एटलीस्ट भाई SBI का स्टॉक अगर हम देख रहे हैं तो एटलीस्ट एटलीस्ट यहाँ पर 38.2 लेवल के आसपास आकर के फिर पुल बैक मारेगा, क्योंकि फिबोनाची का टूल ये कहता है कि कम से कम 38.2% तो नीचे आएगा ही आएगा, उसके बाद उसके ऊपर बढ़ने की संभावना है।
तो ये बहुत अच्छे से काम करता है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको इंडिकेटर समझ में आ गया होगा, ये जो टूल है ये आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि शॉर्ट टर्म वाले किस तरीके से काम कर पाए या फिर इंट्राडे वाले किस तरीके से काम कर पाए इसके लिए। चलिए जल्दी मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।